सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। जब आपको बेल आइकन कुछ इस तरह दिखे तब आपको मेरे सारे वीडियोस की अपडेट मिलते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो लेसन करने वाले हैं वो है चोरी चोरी जॉब नजरें मिली पार्ट 3। पार्ट 1 में हम इंट्रो लीड का जो गिटार का जो इंट्रो लीड है वो हम टैब के साथ किए हैं, और पार्ट 2 में हम इंटरल्यूड का जो लीड है, जो सोलो है, वो हम टैब के साथ किए हैं। और पार्ट 3 में मैं जैसे ही आपको बोला था कि मैं पूरे गाने का जो कॉर्ड है और स्ट्रमिंग पैटर्न है ये सिखाऊंगा, तो आज के लेसन में हम पूरे गाने का जो कॉर्ड्स अरेंजमेंट है और स्ट्रमिंग पैटर्न है तो ये हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। पार्ट 4 में हम इस गाने का डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब गाने के साथ मैं आपको बजा के दिखाऊंगा। जब आप ये सारे पार्ट सीख लेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो पार्ट 4 में आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का लेसन हम शुरू करते हैं। जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, पार्ट 1 में इस गाने का ट्यूनिंग थोड़ा अलग है, स्टैंडर्ड ट्यूनिंग से थोड़ा अलग है, हाफ स्केल डाउन है। तो उस हिसाब से अगर आपको सीखना है, मतलब ट्यूनिंग के बारे में जानना है, तो पार्ट 1 में जाके जान सकते हैं। तो भी मैं बता देता हूँ, मेरा गिटार अभी फिलहाल इस गाने के लिए हाफ स्केल डाउन ट्यून है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का लेसन हम शुरू करते हैं। तो इस गाने के लिए आपको जो कॉर्ड्स आना चाहिए वो है ई माइनर कॉर्ड, आप डायग्राम देख सकते हैं, ई माइनर कॉर्ड पहला कॉर्ड, सेकंड कॉर्ड जो है ए माइनर, ठीक है, थर्ड कॉर्ड है डी मेजर, फोर्थ कॉर्ड जो है सी मेजर, ठीक है, सी मेजर, उसके बाद बी मेजर, ये बार कॉर्ड मैं ले रहा हूं, अगर आप बार कॉर्ड नहीं आता तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कॉर्ड्स आना चाहिए आपको ए मेजर, ठीक है, उसके बाद और एक कॉर्ड जो आपको आना चाहिए वो है बी माइनर, ठीक है, और एक कोड आपको आना चाहिए ई मेजर। तो इतना सारा कॉर्ड्स यूज हुआ है, ठीक है, लेकिन चिंता का कोई कारण नहीं है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, आप सब सीख जाएंगे। एक एक स्टेप को आप प्रैक्टिस कीजिएगा अलग अलग करके, तो आपको बहुत आसानी होगा सीखने में, ठीक है। लेसन बनाता हूँ तो मैं सारे सब्सक्राइबर को मतलब ध्यान में रखते हुए लेसन बनाता हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब जल्दी बना दूंगा, मतलब ताकि थोड़ा छोटा हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं मेरा जो वीडियो है, लेसन जो है, थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि सबको समझ में आए, इसलिए मैं धीरे धीरे बताता हूँ, ठीक है। तो जो दोस्तों इंटरमीडिएट लेवल में है या ऑलरेडी आता है उनको, तो प्लीज़ मतलब आपको अगर मतलब फास्ट फॉरवर्ड देखना है तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, जो आपको रिलेवेंट नहीं लगता है आप आगे पीछे करके देख सकते हैं, लेकिन मैं सबको ध्यान में रखते हुए लेसन बनाता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम स्ट्रमिंग पैटर्न सीखते हैं गाने का। तो स्ट्रमिंग पैटर्न जो है ये गाना जो है 3/4 टाइम सिग्नेचर में है, तो 3/4 में 4 जो टाइम सिग्नेचर है उसके हिसाब से रिदम जाता है, डाउन डाउन अप डाउन, ठीक है। मैं बहुत सारे लेसन में ये बताया हूँ, इसके ऊपर एक अलग सा लेसन भी बनाया हूँ, वन फेमस स्ट्रमिंग पैटर्न फॉर मेनी बॉलीवुड सॉन्ग्स, आप नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर सीख सकते हैं। उसमें मैंने डिफरेंट वेराइटीज से मतलब ये लेसन को मैंने सिखाया है, ठीक है। तो भी मैं अभी इस गाने के लिए फिलहाल बता देता हूँ, डाउन डाउन अप डाउन, डाउन डाउन डाउन, डाउन डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप डाउन, ठीक है। तो ये है स्ट्रमिंग पैटर्न, और एक बार बता देता हूँ, डाउन डाउन अप डाउन, थोड़ा स्पीड में बजाएंगे, थोड़ा रिदम के साथ बजाएंगे तो ऐसे साउंड होगा, डाउन 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 डाउन, ठीक है। और इसके साथ आप जैसे अगर मतलब गाना गाएंगे तो आपको देखेंगे कि मतलब ये मैच हो रहा है, ठीक है। चोरी चोरी जब नजरें, चोरी चोरी फिर नींद लूंगी, यही टाइम सिग्नेचर के ऊपर गाना बना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्ट्रमिंग पैटर्न अभी आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अभी स्टेप 1 सीखते हैं। इस गाने को जो बहुत सारे स्टेप में मैं डिवाइड किया हूँ, तो स्टेप 1 में जो हम सीखेंगे, जो प्रील्यूड जो है, जो इंट्रो लीड है, जो पार्ट 1 में हम सिखाए थे, उसका जो बैकग्राउंड कॉर्ड्स है वो क्या क्या बनेगा, तो मैं आपको
बताता हूँ। तो बैकग्राउंड ट्यून को आप याद कीजिए, मैं थोड़ा गुनगुनाता हूँ और उसके साथ मैं आपको कॉर्ड्स बता दूंगा, ठीक है? तो उसको ये ऐसा जाता है, ये ई माइनर पे जाएगा, उसके बाद बी मेजर आ जाएगा, ठीक है? मैं बार कोड ले रहा हूँ, बी मेजर, सी मेजर, फिर से बताता हूँ, ई माइनर, ई माइनर, ये बी मेजर, सी मेजर, ई माइनर बैक, ठीक है? फिर ई मेजर होगा, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे आप ए माइनर भी दे सकते हैं और सी मेजर भी दे सकते हैं, ठीक है? दोनों ही बहुत अच्छा लगेगा सुनने में, क्योंकि दोनों ही देखिए, सी मेजर का जो रिलेटिव माइनर है ए माइनर है, ए माइनर का रिलेटिव मेजर सी मेजर कॉर्ड है, तो आप ए माइनर भी दे सकते हो नहीं तो सी मेजर दे सकते हो, ठीक है? तो इसमें क्या ई मेजर है यहाँ पे, ठीक है? ये ए माइनर देखे, मैं देखा अभी, फिर ई मेजर से हम सी मेजर देखे देखते हैं, नोट है ये ऐसे बजते हैं, तो ये नोट है ये सी मेजर है एक्चुअली, ये भी अच्छा लग रहा है, तो आप जो आपको अच्छा लगे आप दे सकते हैं, मैं तो रेकमेंड करता हूँ आप ए माइनर भी दे सकते हैं, नहीं तो कभी कभी मुझे सी मेजर भी अच्छा लगता है बहुत, और दोनों का सब्स्टिट्यूट कॉर्ड है, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी एक दे सकते हैं, ठीक है? इसके बाद इसको मैं अभी बजा के सुनाता हूँ आपको ओरिजिनल ट्यून के साथ, इसका जो कॉर्ड है, जो लीड है, इंट्रो है, उसका जो कॉर्ड्स है ये है। अभी इस स्टेप में हम सीखेंगे जो उसके बाद जो हुइसलिंग है, हुइसलिंग का जो पार्ट है ये, हम हुइसलिंग का जो मेलोडी लाइन जाता है वो गाने के साथ जाता है, चोरी चोरी जब नजरें मिली उसको हुइसलिंग कहा जाता है, तो वो जो पोर्शन, जो हुइसलिंग का जो पोर्शन है, आप जब मैं चोरी चोरी जब नजरें मिली सिखाऊंगा तब आप वहाँ सीख जाएंगे, लेकिन इस स्टेप में हम जो गाने का जो पहला जो कुछ लाइन जो है एडलिप्स में जाता है, जैसे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये कब हुआ, क्या पता, ठीक है? तो ये जो है ये कॉर्ड्स में आपको बताता हूँ, तो इसमें क्या है, ये क्या जो है ये बी माइनर क्या होगा, ठीक है? हुआ ई माइनर, फिर ये कब, फिर कैसे बी माइनर, हुआ ई माइनर, फिर ये कब बी माइनर, हुआ ई माइनर, क्या पता, क्या पता जो है कोई कॉर्ड्स नहीं बजता है, ठीक है? तो उसके पीछे एक गिटार का ट्यून जाता है, जो आप पार्ट वन में देखेंगे वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो पार्ट वन में बताया गया, तो ये था जो गाने का जो पहला जो तीन लाइन है, तीन चार लाइन जो है वो है। फिर नेक्स्ट जो है, जो गाने का मेन मुखड़ा चालू होता है, चोरी चोरी जब नजरे मिली, तो ये सीखते हैं अभी, ठीक है? और हुइसलिंग का जो पार्ट है इसके साथ ही आता है, मतलब सेम जैसा, मतलब गाना है उसी के ऊपर वो ट्यून को हुइसलिंग करके मतलब बजाया गया है, ठीक है? तो अभी शुरू करते हैं, तो उसका मैं कॉर्ड बताऊं, चोरी चोरी जब नजरे मिली ई माइनर, चोरी चोरी फिर नींद आपको उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, आपको अब हो जाएगा। चोरी
चोर जो है, चोरी जो है, चो, तो ये इसमें दो कॉर्ड आते हैं, एक है डी मेजर, एक है ए मेजर। चोरी चो, ठीक है, यहाँ पे डी मेजर चो, डी ए मेजर, ठीक है। उसके बाद मैं जो है वो खाली आता है, बी सी मेजर, मैं बी मेजर, मजा ई माइनर बैक, ठीक है। तो चोरी में भी है मजा, ठीक है, फिर से बताऊं, चोरी में भी है मजा, थोड़ा फाट जाता है, थोड़ा देख लीजिएगा, रिपीट करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, फिर से रिपीट होता है गाना, चोरी चोरी जो नजरे मिली, फिर से रिपीट होता जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो पार्ट आता है ये है इंटरल्यूड का पार्ट। इंटरल्यूड में जो ट्यून बजा है मैंने ऑलरेडी पार्ट टू में सिखाया है, तो फिर से मैं आपको बजा के सुनाता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए क्या कॉर्ड्स होंगे, तो इसके लिए ई माइनर, डी मेजर, डी मेजर, ई माइनर से डी मेजर है, से फिर ई माइनर जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो पार्ट है ये सेम जैसा ही है, ई माइनर हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये है इंटरल्यूड का पार्ट, ठीक है। मैं जब पार्ट फोर में बजाऊंगा आप वहां से फिर से फॉलो कर सकते हैं, आप बस सुन देखिए देखिए कहां कहां पे कॉर्ड चेंज हुआ है, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेप हम करने वाले हैं ये है अंतरा का पार्ट। अंतरा में क्या होता है, क्या जाने क्या मिल गया, ठीक है। तो क्या जाने जो है ई माइनर, क्या मिल गया, मिल गया, गया जो है ये ए माइनर आ जाएगा, फिर डी मेजर, क्या जाने डी मेजर, क्या जाने क्या सी मेजर, क्या हो गया खो गया, गया में ई माइनर बैक, क्या जाने माइनर, क्या मिल गया ए माइनर, फिर डी मेजर, क्या जाने डी मेजर, क्या सी मेजर, खो गया ए माइनर, ई माइनर, ठीक है। फिर नेक्स्ट, तूने ये क्या कह दिया ए माइनर, ठीक है, मुझको डी मेजर, ये क्या सी मेजर, हो गया गया पे ई माइनर, ओके। फिर जो गाने का जो पहला चार लाइन था वो आ जाएगा वापस, पलकें झुकी, मुझे लिरिक्स एक्चुअली याद नहीं, मैं सामने देख देख के लिरिक्स को गा रहा हूँ, प्लीज एक्सक्यूज मी, पलकें ई माइनर झुकी ई माइनर, पलकें ई माइनर उठी ई माइनर, क्या कहे जो है बी माइनर, दिया ई माइनर, क्या सुना, फिर एक फ्लूट में या कुछ बताए टाना, अगर आप अगर गिटार में बजाना चाहते हैं तो यहाँ पे बजा सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका सेवेंथ फ्लूट, ये बजा सकते हैं, सेवन एट, सेवन एट, सेवन एट, सेवन एट, सेवन एट, सेवन, ठीक है, ये बजा सकते हैं, नहीं तो आप बस होल्ड कीजिएगा फिर गाने से चालू कीजिएगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट हम सीखेंगे वो है फिर से व्हिस्लिंग वापस आता है, तो व्हिस्लिंग का जो लाइन मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, चोरी चोरी जब नजर मिली, वही सेम ट्यून पे जाता है, तो आप उसके साथ मैच कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लाइन आता है जो फीमेल पार्ट आता है उसका मैं कॉर्ड्स बताता हूँ, पार्ट ऐसा था के खामों में आकर, तो ये क्या है, फूलों सी मेजर के खामों में आकर, ठीक है,
जो है सी मेजर, चुरा ले गई ई माइनर, फिर बादल का जो है सी मेजर से स्टार्ट होगा, बादल का चल भी ई माइनर, हो पागल डी मेजर, पागल का डी मेजर, पागल हवा ले गई ई माइनर बाय। ओके, तो ये है लड़की का पार्ट, ठीक है। फिर जब कुमार सानू का फिर से जब आता है, मतलब सेम जो लड़की का लाइन जो है, फीमेल का जो लाइन है, उसको जब कुमार सानू रिपीट करते हैं, यहाँ पे कंपोजिशन टेक्निक अनु मलिक जी का जो मानना पड़ेगा, सेम लिरिक्स को कैसे मतलब दूसरे ट्यून पे बैठाते हैं, और व्हाट अ मेलोडी ऑफ दिस सॉन्ग। मतलब मुझे यहाँ पे ये जो कंपोजिशन है, यहाँ से मैं इतना कुछ सीखा हूँ, आई कैन एक्सप्लेन यू, ठीक है। तो इसमें देखिए, फिर कुमार सानू जी स्टार्ट करते हैं, सेम देखिए, मतलब जो लड़की जो फीमेल था, ये था सुर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सुर है के में आकर, ये माइनर, ये माइनर से स्टार्ट हुआ, ये माइनर कर रहा है, ठीक है, फिर डी खुशबू डी चुरा सी मेजर ले गई ये माइनर बैक, बादल का चल भी आकर ये माइनर, ए माइनर पे आकर में जो है ए माइनर, ए माइनर पागल डी मेजर हवा सी मेजर ले गई ए माइनर, फिर से वही चालू हो जाएगा जो पहला जो है, एक फूल बी माइनर ई माइनर, एक फूल बी माइनर से ई माइनर ई माइनर, फिर कान में ई माइनर कुछ कहा ये पार्ट में आपको साइलेंट रहना है गिटार का, ठीक। तो ये है अंतरा का पार्ट। फिर फीमेल का जो है चोरी चोरी जब नजर मिली वो वाला लाइन जाता है, तो वो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, सेम है हर जगह। अभी कुमार सानू जी का जो सेकंड अंतरा है, उससे पहले एक कोरस आता है, तो कोरस जो है, जो मैंने प्रीलूड का जो कॉर्ड स्ट्रक्चर बताया, सेम जो कॉर्ड है, जो ट्यून बजा है, उसी को कोरस में गाया गया है, तो आप बस उसी कॉर्ड को ही फॉलो करना है कोरस में, ठीक है। उसके बाद जो कुमार सानू जी का जो सेकंड अंतरा आता है, उसमें जो है, जो भी ऑलरेडी मतलब बता चुका हूँ मैं जो ट्यून है, लेकिन तो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि लिरिक्स जो है चेंज होता है, तो लिरिक्स के साथ बता देता हूँ आपको। ई माइनस जो है रिश्तों के नीले भंवर, ए माइनर भंवर पे ए माइनर, ई माइनर से स्टार्ट हुआ रिश्तों के नीले भंवर जो है ए माइनर, कुछ और जो है डी मेजर पे रहेगा, गहरे सी मेजर गहरे हुए ई माइनर, फिर ई माइनर से चालू होगा, तेरे मेरे साए हैं ये माइनर, पानी डी मेजर, फिर ठहरे सी मेजर हुए ई माइनर, फिर जब प्यार का डी माइनर और ई माइनर, फिर मोती जो है डी माइनर, गिरा जो है डी माइनर, बंदे डी माइनर लगा डी माइनर डायरा, तो ये जो है वो वहाँ पे साइलेंट है, ठीक है। फिर जो है भायलिन का पार्ट आता है, भायलिन का पार्ट जो है इट इज एग्जैक्टली लाइक द प्रीलूड, प्रीलूड में जो गिटार में बजा है वही सेम कॉर्ड स्ट्रक्चर जाता है, तो मैं वो बजा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ये था गाने का पूरा कॉर्ड अरेंजमेंट, लेकिन मैंने इस बार गाने मतलब आपको गा के या गाने के ओरिजिनल गाने के साथ इस लेसन पे मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि ये वीडियो लंबा ना हो जाए, लेंदी ना हो जाए, ताकि कमेंट्स में मतलब कभी कभी जो एक्चुअली मतलब ये अंडरस्टैंडेबल है कि जो लोग ऑलरेडी जानते हैं छोटा छोटा चीज़ जो है मैं बताता हूँ, तो उनको सुनने की ज़रूरत नहीं है, तो भी सुनते हैं, बट स्टिल आई बिलीव मतलब मुझे सबके लिए बनाना है, मेरे लिए सबको ही सेम है, तो मैं बनाता हूँ। तो जो दोस्त लोग आपको अगर लगे कि ये नॉलेज जो भी मतलब मैं बता रहा हूँ आपके पास ऑलरेडी मतलब यू नो दोस थिंग्स, जो आपको रिक्वायर्ड है आप बस फॉरवर्ड कर करके आप देख लीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद करता हूँ कि मेरा लेसन आपको अच्छा लगा, प्लीज़ कॉमेंट्स में लिखिए आपको लेसन कैसा लग रहा है, और ये कम्प्लीट गिटार लेसन सीरीज कैसा लगा, ठीक है। प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट गिटार लेसन।